हेलो फ्रेंड्स जय माता दी कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है उनसे जो पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के टाइम से और इतना कोहरा और हम चल पड़े हैं धाम खाने कोहरे के मौसम में जनवरी का महीना और हम चले हैं धाम खाने कहाँ जा रहे हैं मैंने बताया था ना आपको कि हमारे जो ग्राम देवता है वहाँ पे भंडारा है और वो हमने सभी जितने भी गांव के लोग हैं सभी ने इकट्ठा करके फैसे इकट्ठा करके वहाँ पे भंडारा किया है क्यों किया है क्योंकि जब यहाँ पे फसल आती है तो नई फसल तो पहले आ चुकी थी हालांकि ये पहले हो जाना था पर मौसम साफ़ नहीं था तो इस करके थोड़ा लेट हो गए और देखिए हम जा रहे हैं और गांव के हमारे साथ में और भी लोग जा रहे हैं तो इसलिए मैंने जो आवाज़ थी रियल वो म्यूट कर दिया है क्योंकि हम सब बातें करते हुए जा रहे थे और ये देखिए टिफ़िन भी साथ में है क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज है कि अगर गांव में कुछ होता है तो टिफ़िन भी हमें साथ में ले जाना पड़ता है देते हैं घर को भी और हम पहुंच गए थे हमारा जहाँ पे गांव ख़त्म होता है वहाँ पे और यहाँ से ऊपर को जाना है हमने यहीं है हमारे जो ग्राम देवता जी हैं वो यानी कि पांच पांडव जी का मंदिर है यहाँ पे तो यहाँ से हमने रोड का दूसरा साइड ले लिया है और हम चल पड़े हैं और कोहरा पड़ा है बहुत ही ज़्यादा ठंडी है हालांकि अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी चार की बजे बट अब थोड़ा मौसम साफ हो गया और ये देखिए ये है हमारे ग्राम देवता जी का मंदिर तो सबसे पहले ग्राम देवता जी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम आप सभी लोगों की ओर से भी परिणाम बस यही प्रार्थना करती हूँ अपने कुल देवता से ग्राम देवता जी से कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे जहाँ जहाँ से देख रही है भगवान जी उनकी झोली में हमेशा खुशियाँ भरना और इसके बाद में हम आ गए थे मंदिर में मत्था टेकने के लिए कि चलिए भगवान जी से मिलकर के आते हैं और यहाँ पे तो देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये बना था 2015 सोलह में इसका निर्माण हुआ था हालांकि यहाँ पे पहले छोटा सा मंदिर था पत्थर की मूर्तियाँ हैं अभी भी है पर कहते हैं कि अगर आस्था हो हमारी तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं और अगर आस्था नहीं हो तो भगवान भी हमें पत्थर के समान ही नज़र आते हैं तो ये देखिए ये भगवान जी के बादे यंत्र है जो यहाँ पे रखे हैं जो कि यहाँ पे जिस टाइम पूजा वगैरह हुई वो उस टाइम इनका यूज़ किया जाता है और ये हमारे साथ बच्चे थे साथ में वंशु नहीं आया है क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है अभी ये बच्चे आजकल ठीक ही नहीं हो रहे हैं पता नहीं कितना कोल्ड फीवर हो गया बट ठीक नहीं हो रहे और इसके बाद में हमने मत्था टेका और हम बैठ गए थे खाना खाने तो देखिए यही है हमारा हिमाचली कल्चर सभी ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं और सबसे मेन बात है यहाँ पे पत्तों पे खाना खाया जाता है इस मंदिर के पास हमेशा ही पत्तों पे खाना खाया जाता है ये देखिए पत्तों में इसको पतले बोलते हैं हालांकि पतले अब बाज़ार में मार्केट में भी मिलती है बट नहीं यहाँ पे मेन मकसद यही होता है इस मंदिर में जब भी भंडारा होता है तो यहाँ पे पत्तलों पे ही खाना खाया जाता है और वो भी पत्तों की जो होती है बनाई हुई और इस ये पत्ते हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं आ, वहाँ पे होते हैं जहाँ पे गर्मी होती है गर्मी वाला जहाँ पे इलाका होता है ये वहाँ से लेकर के इन पत्तों की पतले बनाई जाती है खाना खाने के लिए और हम इन पत्तों पे खाना खाते हैं तो पतले तो हमें मिल चुकी थी और जो चावल दे रहे थे वो अभी पाली साइड को बैठे थे और देखिए कितना कोहरा है कितनी धुंध पड़ी है ना तो अब इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सब्ज़ियाँ बनी थी तो ये सबसे पहले है हिमाचली फेमस आलू मदरे जो कि हिमाचल की फेमस डिश है आलू मदरा जो धाम में बनाया जाता है और दूसरे नंबर पर थे ये राय वाले थे आलू चने और तीसरे थे ये हमारे घर की दाल है जो कि हम सब ने थोड़ी थोड़ी घर से दी हुई थी इकट्ठा करके और ये उसके बाद में कड़ी बीच में छूट गई है दो सब्जियां मीठा और एक और था उसके बाद में हम उठ चुके थे खाना खा करके और ये देखिए कुछ लोग जा रहे थे और कुछ आ रहे थे ये जो सामने पार गांव है ये यहीं से आ रहे थे और कुछ जा रहे थे क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो पड़ोसी जो हमारे गांव होते हैं वहाँ से भी खाना खाने के लिए बुलाते हैं और ये देखिए हम सब ने जितने भी थे हम हमने सभी ने अपना टिफिन ले लिया था और चल पड़े थे हम घर की तरफ को तो एक बार फिर से आप सभी लोगों की ओर से हमारे गांव ग्राम देवता जी के चरणों में सादर परिणाम चरण स्पर्श भगवान जी सभी को खुशियाँ देना ढेर सारी खुशियाँ देना सबके घर में और हम चल पड़े थे जहाँ से आए थे उसी रास्ते से हम हो चुके थे टर्न और देखिए धुंध इतनी पड़ी है ना कि मतलब सामने से ना कुछ खास सही ढंग से भी नहीं दिखाई देता और आगे आगे सब लोग जा रहे थे तो मैं पीछे पीछे जा रही थी कैमरा उठा के मुझे ना मतलब अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म फील होती है कि मुझे ना टोकना ले लोग कि तू क्या कर रही है कैमरा उठा करके तो अब मैं उसके बाद में आ चुकी थी घर पे और घर पे या वो टिफ़िन जिसको मैं लेकर के आई हूँ पहले से और मम्मी के लिए बनाना पड़ेगा खाना और अलग से और चेतन और वंश के दादाजी वो ये खा लेंगे खा लेते हैं चावल वगैरह और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि चेतन के वंश के दादाजी आए हैं तो आप उनसे भी मिलवाइएगा पर सॉरी <laughs> मैं नहीं मिलवा सकती आप लोगों को क्योंकि अगर उनसे मैंने आपको मिलाया तो मुझे पहले गालियाँ सुननी पड़ेगी क्योंकि उनको नहीं है पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ मैं वीडियो बनाती हूँ सिर्फ मेरे मम्मी को पता है और मेरे जो पति जी हैं उनको पता है अगर इनके दादाजी यानी हमारे ससुर जी को पता चला तो हो, हो सकता है गालियाँ तो नहीं पड़ेगी बट बहुत बुरी गालियाँ पड़ेगी कैसी गालियाँ पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को पता है अगर गांव में कोई अभी भी आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई भी कैमरा उठाता है या कैमरे के सामने बात करता है तो लोग न जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं और उन सब बातों का मुझे भी सामना करना पड़ेगा तो माफ़ कर दीजिएगा मैं आप लोगों को नहीं मिलवा पाऊंगी हाँ अगर कभी पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी दूर से दिखा दूंगी बट उनको नहीं पता चलना चाहिए सच्ची बात बता रही हूँ उनको पता चला तो फिर मेरी बारी आएगी वो मुझे डांटेंगे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे वैसे मैं सोच रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मैं फ़ोन उठाती हूँ उठा के चलती हूँ तो एक वंशु और एक वंशु के दादाजी इनको पहले ही पता चल जाता है कि पता नहीं ये फ़ोन में क्या कर रही है न जाने क्या होगा मेरे साथ आगे का फिर मैंने वो नहीं सोचा है खैर वो टाइम ज़रूर आएगा ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ बुरा बोलेंगे हमारे जो ससुर जी है वो बो बुरा बोलेंगे मुझे बट खुद मुझे शर्म फील होती है कि मैं किस तरह से उनको वीडियो में मिलाऊँगी बस यही सोच सोच के मैं नहीं बोलती कि आप मैं वीडियो बना रही हूँ आप मेरी वीडियो में आओ मुझसे ये करो वो करो बातें करो नहीं किसी को फोर्स नहीं करती और किसी बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि आप जीजू से यानी हमारे पतिदेव से मिलाइएगा तो उनकी भी मैं गारंटी नहीं लेती क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलूँगी हाँ अगर कभी उनका खुद मन हुआ तो वो खुद आप लोगों से बात करेंगे कैमरे के सामने और बाकी आप लोगों का प्यार है आप लोगों का सपोर्ट है आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा कि वो दिन भी आए कि मेरे पति जी कभी कैमरे के सामने आए और आप लोगों के साथ भी बातें करें तो अभी पहुंच गई हूँ मैं घर पे और देखिए अंधेरा हो चुका है और दिन के कपड़े धोए हुए हैं वो भी किसी ने नहीं उठाए क्योंकि मैं आई पशु लेकर के जंगल से जल्दी जल्दी और काव मिल्किंग करी और चली गई थी मैं वहाँ पे गांव में जहाँ पे हमारे था प्रोग्राम तो अभी जा रही हूँ गौशाला को और उसके बाद में उठाऊंगी ये कपड़े वंशु सो रहा है उसकी नानी भी सो रहे हैं और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपके मम्मा आजकल वीडियो में नहीं दिखते हैं तो मम्मी की तबीयत आजकल ख़राब है ना इसलिए वो वीडियो में नहीं आते अभी जाती हूँ घास देने पशुओं को और अंधेरा अंधेरा बिल्कुल हो चुका है तो मैं पहुंच चुकी हूँ एक गौशाला में पहले एक में जाऊंगी और दूसरी बाद दूसरे में हे उनको घास देना भी जरूरी है और ये देखो इसका नाम लक्ष्मी है पर आपको लगता है लक्ष्मी ये तो कालू है कालू है ना कालू है तू तो? कालू है कालू है तू तो? कालू है, है कालू है छोटा सा बच्चों मैं अपनी मम्मा का प्यारा सा बच्चों है ना कालू है तू तो? कालू है ये मेरा कालू है मेरा कालू है ना मेरी लक्ष्मी है छोटी सी घासू खाना आपने खाना दूध भी आपने दूध तो आपने पहले पी लिया था है ना और देखिए इसके नीचे ना मैंने नरम बिस्तरा बिछा दिया है यानी कि घास का जिससे कि इसको ठंड ना लगे वो दूध भी दिया करना तूने हम्म तो अभी मैं इसकी मम्मा को दे देती हूँ घास और इसको भी मैंने डायरेक्ट टिफिन अंदर छोड़ा और मैं आ गई क्योंकि पशुओं को ना घास देने के लिए लेट होगी थी और मैं नहीं चाहती तो मैं खाना खा के आ गई और मेरे पशुओं को लेट हो जाए तो अब हो गया इनको भी घास और मुझे जाना है निचले वाले गौशाला में बट वहाँ पे ना अंधेरा होता है जहाँ पे बकरियाँ और बैल दूसरी गायें वहाँ पे अंधेरा होता है तो वहाँ पे आप लोगों को शायद मेरा वीडियोस में अच्छा नहीं आएगा तो फटाफट से अब वहाँ पे भी घास दे लेती हूँ तो गौशाला का, का काम हो गया और अब यहाँ पे है कपड़े तो इन्हें भी अंदर ले चलते हैं क्योंकि हल्की हल्की ना बारिश हो रही थी दिन को भी तो मैं ये फटाफट से उठा लेती हूँ और फिर इनको फोल्ड करने का काम तो सुबह तक ही होगा क्योंकि अभी मुझे मम्मी के लिए खाना भी बनाना है तो ये रहे कपड़े इनको मैं ले आई हूँ अंदर और इनकी फोल्डिंग तो अब सुबह ही होगी क्योंकि अभी मुझे और काम करना है और आज के ब्लॉग में बस इतना ही फिर मिलेंगे आप सभी से नए ब्लॉग में तब तक के लिए जय माता दी आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा सेफ रहिएगा सुरक्षित रहिएगा अपनों का ख्याल रखिएगा बाय बाय टेक केयर